अपने समय से कहीं आगे चलने वाली रानी दुर्गावती थी। पता नहीं उनको कहीं अंदर से ये विचार आया होगा या उन्होंने देखा होगा कि 15 अगस्त 1947 को सब प्रकार की गुलामगिरी तोड़कर भारत जब मुक्त होगा तब उनको नई राह पर चलने के लिए कोई दिशा देनी पड़ेगी। वो दिशा क्या हो सकती है? जितने विदेशी आक्रांत अपने यहां आए उनकी व्यवस्थाएं अलग उनके लिए की गई थी, लेकिन उन व्यवस्थाओं को उन्होंने यहां जबरदस्ती हम पर थोपा। हमारी व्यवस्था कैसी थी? देश के मालिक कौन है? जहां से आक्रमण आते थे वहां राजा सब कुछ होता था, राजा का सब, राजा की मर्जी पर सब है। आप खेती कर रहे हो, आपकी खेती जब्त करने का अधिकार है, क्योंकि आपका जीवन भी उसी की स्टेट है। हम सब उसके दास। हमारे यहां भी राजा थे लेकिन ऐसे नहीं थे, हमारे यहां राजा रक्षक था, समाज जीवन ठीक चले इस तरीके का रक्षक, आजकल कहते लॉ एंड ऑर्डर, उसका संरक्षक था, सीमाएं सुरक्षित रहे इसको देखने वाला था। और जिस नियम से प्रजा सुख शांति बंधुभाव से आगे बढ़ती है उस नियम का, जिसको हमारे यहां धर्म कहते हैं, उसका रक्षक था। वो पूजा को लेकर भेद नहीं करता और बाकी सब लोग स्वतंत्र थे लेकिन अपनी मर्जी से राजा के शासन का अनुसरण करते थे। मालिक कोई नहीं था, मालिक तो भगवान है। हम सब लोग ट्रस्टी थे, जो मुद्राएं थी, जो पैसा था, धन था, व्यापार करने वाले लोग व्यापार करते थे, कमाते थे, लेकिन जितना कमाते थे उसका 80% बांटने में अपने आप को बड़ा मानते थे, क्योंकि वो सोचते थे धन अपना नहीं है, धन की व्यवस्था करने का काम अपना है, हम इस धन के ट्रस्टी है। जंगलों में बसने वाले हमारे सब बंधु, वन के बंधु, वो उस जंगल के रखवाले थे, उस जंगल के ट्रस्टी थे, उस जंगल में उनका अधिकार था, लेकिन वो ये जानते थे कि अधिकार हमको इसलिए दिया गया है कि इस जंगल को सुरक्षित रखकर अच्छी तरह बढ़ाते हुए समाज को जब जब आवश्यकता है इस जंगल से उनको भी मिले हम देखेंगे, और जंगल से सबको मिले लेकिन जंगल को कोई लूट न पाए, ये देखने का उनका काम रहता है। विदेश की व्यवस्थाएं आई, हम अपने ही देश में पराधीन हो गए। अब हमको फिर से धीरे धीरे उस तरफ जाना पड़ेगा और हम जाएंगे। सामान्य लोग प्रयास करेंगे उसमें भी हम साथ रहेंगे, इस प्रकार की नीतिगत दिशा देने में भी हम साथ रहेंगे, और ये सच्ची स्वतंत्रता और सबका बंधुभाव कायम रखकर, सबका ऐक्य कायम रखकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ होगा उसमें हम सब लोग दीनदयाल शोध संस्थान जैसे संस्थान, कल्याण आश्रम जैसे संगठन, संघ के स्वयंसेवक, सब लोग समाज के साथ चलेंगे, समाज को साथ लेकर चलेंगे।